हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों मेरा नाम है चंदन और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक या हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट हो, यानी कोई भी अगर आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज यह जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि सभी लोग, सभी बच्चे जो हैं, सभी स्टूडेंट जो हैं प्रमोशन को चाहते हैं, यानी कि उनका प्रमोशन किया जाए। तो गाइस, आपको जो न्यूज़ बताने वाले हैं प्रमोशन से जुड़ी ही न्यूज़ है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अभी तक आपने ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी होगी। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस न्यूज़ में क्या होता गया है। तो गाइस, जैसा कि आप हेडलाइन में देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को देना होगा ऑनलाइन असाइनमेंट टेस्ट, 50 नंबर की होगी परीक्षा, पिछले सेमेस्टर की परफॉर्मेंस भी जुड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही न्यूज़ बताई गई है। गाइस, इस न्यूज़ में क्या है आगे पूरी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। इसके नीचे जो बताया गया है वो क्या बताया गया है पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो गाइस देखिए, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनको ऑनलाइन असाइनमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि जो अपने कॉलेज के जो भी अपना कॉलेज का होगा, कॉलेज के जो भी लिंक भेजा जाएगा उसमें उनको अपना असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ 50 नंबर का जो असाइनमेंट होगा। तो गाइस इसके आगे बताया गया नीचे देखिए, राज्य सरकार ने भले ही यूजी और पीजी कक्षाओं के अंतिम वर्ष के छात्राओं को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय लिया हो, लेकिन सभी छात्रों को अभी इसके लिए ऑनलाइन असाइनमेंट टेस्ट से गुजरना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, यानी आप अगर किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको अपना एक ऑनलाइन असाइनमेंट टेस्ट देना पड़ेगा जो 50 नंबर का करवाया जाएगा। तो इससे आगे क्या बताया गया देखिए, सभी छात्रों के लिए यह असाइनमेंट जरूरी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी सभी छात्रों को असाइनमेंट जमा करना बहुत ही जरूरी है अगर आप अपना प्रमोशन चाहते हैं। तो छात्रों के लिए तैयार किए जाने वाला यह ऑनलाइन असाइनमेंट हर विषय में 50 नंबर का होगा। जी हाँ दोस्तों, 50 नंबर का असाइनमेंट टेस्ट होगा। और बताया गया कि प्रमोशन तभी मिलेगा जब छात्र छात्राएँ हर विषय में 50 नंबर का एक ऑनलाइन असाइनमेंट टेस्ट पास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसे आपने अभी तक नहीं सुना होगा। यानी कि आपको अगर प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप किसी भी ईयर में हैं, अगर आप अपना प्रमोशन चाहते हैं तो आपको 50 नंबर का असाइनमेंट टेस्ट पास करना पड़ेगा, यानी जो आपका ऑनलाइन असाइनमेंट टेस्ट होगा, इस असाइनमेंट टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप जो है आपको प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपका उस ईयर में बैक कर दिया जाएगा। तो गाइस आगे देखिए, बताया गया है कि इसका लिंक उनके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, यानी जो भी आपके कॉलेज का ग्रुप है, यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज के ग्रुप में जो है असाइनमेंट का लिंक भेजा जाएगा, यानी उस लिंक पर ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो उसी लिंक पर आपको असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा। और इसके लिए कोई छात्र कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अगर ये न्यूज हमारे चैनल के माध्यम से जा रहे हैं तो ये नहीं है कि आप जाके कॉलेज में संपर्क करें इसके बारे में, भाई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी बताया गया है कि आप व्यक्तिगत रूप से कॉलेज में संपर्क मत करिए, कॉलेज जो है आपके ग्रुप में खुद ही आपसे संपर्क करेगा और सभी बच्चों से ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करवाएगा। गाइस कब करवाएगा इसकी सूचना जो कॉलेज है वो आपको उस ग्रुप में देगी। तो गाइस इसके आगे बताया गया है कि उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से यूजी व पीजी कक्षाओं के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए डेट शीट भेजी गई थी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि सभी जो कोर्स हैं उनके फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स थे वो होने वाले थे, लेकिन इसके आगे बताया गया है कि जिसके बाद छात्र संगठनों द्वारा कोरोना महामारी के चलते इसका विरोध किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था, फिर जब उसको टाइम टेबल आया था तो उसके बाद क्या हुआ था, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उन्होंने कोरोना महामारी देखते हुए अपना एक विरोध किया था कि हम लोग जो हैं अपना एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके आगे बताया गया है कि मांग की गई थी जिस प्रकार प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है, उसी तरह से अंतिम वर्ष के छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। इस विषय में छात्र संगठनों की को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी। यानी जो छात्र संगठन है, यानी जो भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो छात्र संगठन हैं, उनके जो अध्यक्ष लोग हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए अपने समस्याओं को बताया था, जिसको देखते हुए जो हमारे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी है दोनों लोगों ने मिलकर सहमति प्रदान की कि अब अंतिम वर्ष के छात्राओं को भी प्रमोट किया जाएगा। तो गाइस आगे बताया गया कि जिसके बाद उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में निर्देश जारी किए गए थे कि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ रद्द कर दी गई हैं तथा अब अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को भी बिना परीक्षा दिए प्रमोट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा को लेकर असाइनमेंट लेने के लिए लिंक भी भेजा जाएगा, जिसके बाद ही अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। यानी अगर आप अपना प्रमोशन चाहते हो, अगर आप फाइनल
फाइनल ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, आप अगर अपना प्रमोशन चाहते हैं तो आपको एक ऑनलाइन असाइनमेंट टेस्ट देना पड़ेगा जो 50 नंबर का करवाया जाएगा। अगर आप इस ऑनलाइन असाइनमेंट टेस्ट को पास करते हैं तभी आपको जो है प्रमोशन दिया जाएगा, वरना आपका जो बैक लगा दिया जाएगा। तो गाइस इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जानकारी आपको लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।